दोस्तों मुनव्वर और विक्की ने अभिषेक के खिलाफ बनाया है बड़ा प्लान। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आधी रात में यहाँ देखने को मिल रहा है कि अभिषेक के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं मुनव्वर और विक्की, जैसा कि आप उन्हें तस्वीरों में देख ही सकते हैं। दरअसल यहाँ आप कह सकते हैं कि मुनव्वर की तरफ से एक प्रपोजल दिया जाता है कि भाई तुम दोनों का क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों बात करोगे या फिर नहीं करोगे। दरअसल यहाँ देखने को मिलता है कि मुनव्वर चाहते हैं कि भाई विक्की और अभिषेक दोनों फिर से यहाँ कॉर्डियली बात करने लगे। अगर यहाँ ये उस तरीके का रिश्ता जो भाई भाई का रिश्ता है वो ना निभाना चाहें तो ना निभाएं, लेकिन यहाँ कम से कम कॉर्डियली बात कर लें, क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है कि मुनव्वर दोनों को ही मिस करता है, दोनों ही यहाँ उनके दोस्त हैं, तो वो जो है चाहते हैं कि भाई उन दोनों ही दोस्ती कर लें, दोनों के बीच में बातचीत होने लग जाए, तो फिर यहाँ उनके जो दोनों दोस्त हैं आपस में बात करने लगेंगे, तो यहाँ दोनों से साथ में बैठकर वो जो है बात कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि विक्की ने बोल दिया है कि भाई इस शो में मैं अब तो उससे बात नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डू और डाई है तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे मैं बात कर नहीं पाता हूं, एक बार अगर मेरी किसी से खटक जाती है तो फिर मैं उससे दोबारा बात नहीं कर पाता हूं, मेरा ऐसा नेचर है, ऐसा मेरा व्यवहार है। जिस पर कि यहाँ मुनव्वर जो है कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बातें घुमा घूमू के लाते हैं कि भाई दोस्ती कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एक दूसरे को मार थोड़े दिया है, कहीं ना कहीं आप दोस्ती कर सकते हो, जैसे कि आपने नील और ऐश्वर्या से करी फाइट तो आपकी कहीं ना कहीं उनसे भी हुई थी। जी हाँ, यहाँ बातें घुमाकर मुनव्वर ये कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्की कहते हैं कि नहीं भाई मैं उससे बात नहीं कर सकता। अब उससे बात क्यों नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं यही है कि भाई अब अभिषेक को समझ आ चुका है कि इसके चंगुल में मुझे रहना नहीं है, और आगे भी अगर कोई बात होगी तो अभिषेक फिर से इनके चंगुल से निकल जाएगा, तो वही यहाँ देखने को मिल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वाक्य पर आपकी क्या राय है, कि आप हमसे सहमति रखते हैं या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना।